बिहार में एक बार फिर से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया पुल। देखते ही देखते आंखों के सामने पुल ढह जाता है और लोग वो वीडियो बनाते रह जाते हैं। उसके पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें बिहार से निकलकर सामने आई हैं, जहां कभी तेज हवा के कारण पुल ढह जाता है, कभी उद्घाटन के पहले पुल के ध्वस्त होने की खबर आती है, और एक बार फिर से अररिया से खबर आती है जहां देखने को मिलता है कि निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हो चुका है। पुल का तीन पाया पानी में समा गया, नदी में समा गया, और अब इस पर रोहिणी आचार्य ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया और उसके बाद डबल इंजन की सरकार पर सवाल उठाया है। रोहिणी आचार्य ट्वीट कर कहती हैं कि निर्माण के दौरान ही इस पुल के गिरने से डबल इंजन वाली सरकार के सुशासनी दावों की पोल एक दफा फिर खुल जाती है। निर्माण की गुणवत्ता को नजरअंदाज किया जाना इस शासन काल की परिपाटी बन चुकी है। कभी सड़क धस जाती है, कभी तेज बारिश में पुल बह जाता है, तो कभी चूहे बांध को कुतर जाते हैं। ये ट्वीट रोहिणी आचार्य का तब सामने आया जब बिहार में एक बार फिर से चर्चा ये चल रही है कि आखिर कैसे उद्घाटन के पहले ही कोई पुल ध्वस्त हो जाता है। लोग वीडियो बनाते हैं, अब वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, और एक बार फिर से सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा बिहार में ही बार बार होता है। इसके पहले भी अगवानी पुल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। भागलपुर के अगवानी पुल के ध्वस्त होने की खबर सामने आई थी, और एक बार नहीं बल्कि बिहार से बार बार ऐसी खबरें सामने आती हैं। और अब जब अररिया से तस्वीर सामने आई तो सरकार पर सवाल उठने लगे। इस बीच रोहिणी आचार्य ने भी कहा कि यहाँ तो चूहे भी बांध को कुतर जाते हैं, तो कभी नया नया पुल जो है वो उद्घाटन के पहले ही ध्वस्त हो जाता है। आपको बताते चले कि बिहार में ये निर्माणाधीन पुल भ्रष्टाचार की भेंट एक बार फिर से चढ़ गया है। अररिया में बकरा नदी पर बन रहा था ये पुल, जो कि अब ध्वस्त हो चुका है। तस्वीरें लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उस पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये पुल कैसे बनाया जा रहा था कि बनने से पहले ही ये ध्वस्त हो गया। अररिया के बकरा नदी पर 12 करोड़ की लागत से उस पुल का निर्माण कराया जा रहा था। बकरा नदी और कुर्शाकांटा के बीच डोमरा बांध पर इस पुल का निर्माण कार्य चल रहा था, जो कि आज दोपहर नदी में पानी का बहाव जैसे ही तेज हुआ, देखते ही देखते ये पुल का एक हिस्सा नदी में समा जाता है। और उसके बाद अब सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं एनडीए की सरकार जो बिहार में है वो चुप्पी साधे बैठी हुई है। अब इस पर आगे जांच पड़ताल किया जाएगा और मालूम किया जाएगा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। बाकी अभी रोहिणी आचार्य, जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं, उन्होंने एक बार फिर से सरकार पर सवाल उठाया है और कहा कि सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में अब जब ऐसा मामला सामने आया है तो ये लोग चुप्पी साधे बैठे हैं। बाकी इस मामले में कोई अन्य अपडेट सामने आती है तो आपको जरूर बताएंगे। देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।